गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 31 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 5 एंड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस चैप्टर में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था तथा इस चैप्टर का आपने प्रश्नोत्तर भी किया था। आज हम लेक्चर 31 में हिंदी ग्रामर में व्याकरण के तीनों विभागों में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों, आपका चैप्टर है 3 शब्द विचार। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, आपने पिछले पाठ में चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यहाँ आप देखेंगे भ व न, यानी भ एक अलग वर्ण है, वह अलग है, न अलग है। इन तीनों को मिलाया गया तो एक नया शब्द बना भवन, जिसका अर्थ है प्रत्येक सार्थक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। यहाँ आपने देखा वर्णों को आपने मिलाया भ व न, एक सार्थक शब्द बना भवन, जिसका अर्थ हुआ आपका बड़ा मकान। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला है शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है, जिसमें आपका पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि हिंदी भाषा में बच्चों जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति, यानी उसका जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, यानी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, पहला है आपका तत्सम, यानी हिंदी भाषा में जिन शब्दों जो शब्द आए हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन शब्दों से हुई है। इसमें पहला आपका है तत्सम शब्द, यानी कि आप जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। तो संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका सूर्य है, सर्प है, कर्ण है, आश्चर्य है आदि। अब है आपका तद्भव शब्द। संस्कृत के कुछ शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देखे हैं तत्सम आपका सूर्य है, आप उसको सूर्य भी बोलते हैं और आप सूरज भी बोलते हैं। यहाँ सर्प है, आप उसको सांप भी बोलते हैं, कर्ण है या कान भी है, आश्चर्य यानी हम अचरज शब्द का भी प्रयोग करते हैं आश्चर्य की जगह के स्थान पर। तो यानी इसका मतलब हुआ कि संस्कृत के कुछ शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्द तद्भव कहलाए। यानी कि तत्सम वे शब्द हुआ जिसका प्रयोग आप संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं वो तत्सम है। और वही तत्सम शब्द यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में थोड़े से परिवर्तन के साथ होता है वह तद्भव कहलाता है। अब आपका एक तीसरा है आप हिंदी भाषा में हिदेशज शब्द। हिंदी में जो शब्द लोक भाषा से आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे पेट है, रोटी है, थैला है, ताला है, भिंडी है, चाट है आदि। यानी कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोक भाषा पर आधारित हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण में आप देख सकते हैं पेट है, रोटी है, थैला है, ताला है, भिंडी है, चाट है आदि। अब है आपका विदेशी या आगत। विदेशी या आगत
भारत में कई विदेशी व्यापार करने के लिए आए, कईयों ने हम पर राज भी किया। उनकी भाषा से कई शब्द भी हिंदी भाषा में ले लिए गए, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे आलू, चाकू, स्कूल, नर्स, चाय, चम्मच आदि। बच्चों, आप तो जानते हैं कि भारत में कई विदेशी व्यापार यानी बहुत से आपको अंग्रेज भी यहाँ आए, भारत में वो यहाँ व्यापार करने के लिए ही आए थे और उन्होंने व्यापार यहाँ किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने भारत में व्यापार शुरू किया और वह व्यापार करते करते यहाँ वो हम इस देश पर उन्होंने राज भी किया। इस प्रकार उनकी भाषा जो है वह हिंदी भाषा में ले लिया गया। वैसे ही शब्द आपको विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे आलू है, चाकू है, स्कूल है, नर्स है, चाय, चम्मच आदि। तो बच्चों, आपने यहाँ पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक सार्थक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आपने यहाँ पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद पढ़ा, तो आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चार भेद हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत। विदेशज भी आप कर सकते हैं। तत्सम शब्द में आपने समझा कि संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य है, सर्प है, कर्ण, आश्चर्य आदि। तद्भव शब्द है संस्कृत के कुछ शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप सूरज है, सांप है, कान है, अचरज है आदि। फिर आप देशज शब्द है, हिंदी में जो शब्द लोक भाषा से आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पेट, रोटी, थैला, ताला, भिंडी, चाट आदि। अब चौथा आपका शब्द है विदेशी या आगत। तो भारत में कई विदेशी व्यापार करने के लिए आए, कईयों ने हम पर राज भी किया। उनकी भाषा से कई शब्द भी हिंदी भाषा में ले लिए गए, वे विदेशी शब्द कहलाए, जैसे आलू, चाकू, स्कूल, नर्स, चाय, चम्मच आदि। बच्चों, आपने आज थर्ड चैप्टर शब्द विचार आपने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।